नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की, और आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है एम एन रॉय। एम एन रॉय के क्या राजनीतिक विचार थे, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यदि हम एम एन रॉय की बात करते हैं, तो एम एन रॉय का जीवन काल 1887 से 1954 तक, सॉरी ये 86 है, 1886 से 1886 से 1984 तक उनका जीवन काल रहा। और इनके जीवन के मूलतः तीन चरण माने जाते हैं, यानी एम एन रॉय के जीवन के तीन चरण माने जाते हैं। और जीवन के पहले चरण में वे जो है क्रांतिकारी थे। यदि पहला चरण देखें तो प्रारंभिक चरण में वो थे क्रांतिकारी, यानी उनके विचार राष्ट्रवादी विचार थे। क्रांतिकारी थे और राष्ट्रवादी उनके विचारों का आधार था, राष्ट्रवाद पर आधारित उनके विचार थे। कई षड्यंत्र, कई केस में इनको गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें एक हावड़ा षड्यंत्र था, दूसरा जो है कानपुर षड्यंत्र। इन मामलों में इनकी गिरफ्तारी भी हुई। फिर कुछ संगठन थे जैसे युगांतर, एक दूसरा था अनुशीलन समिति, इनसे ये जुड़े रहे, अनुशीलन समिति। इस दौर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे और कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया था। सशस्त्र क्रांति के द्वारा ये जो है देश को आजाद कराना चाहते थे। तो ये था इनके जीवन का पहला चरण। अब यदि दूसरे चरण की बात करते हैं, ये पहला चरण मुख्यतः है 1910 के दशक का है, यानी 1920 से पहले का जो दौर था उसमें उनके इनके विचार जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचार थे। फिर 1918-20 के आसपास इनके विचार जो है बदल गए। इन्होंने 1918 में समाजवाद का अध्ययन करना प्रारंभ किया और वो अध्ययन करते करते इनकी रुचि जागी मार्क्सवाद में, और ये जो है दूसरे चरण में कट्टर मार्क्सवादी बन गए। कट्टर मार्क्सवादी। फिर जो है इन्होंने मार्क्सवाद के लेकर के अपने विचारों को आगे बढ़ाया। जो विश्व की संस्था थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, रशिया में सोवियत संघ में जिसका सम्मेलन वगैरह आयोजित होते थे, वहां ये भाग लेने जाते थे। लेनिन से इनकी मुलाकातें होती रहती थी। लेकिन फिर 1929 के बाद, 1929 में कुछ इनका आपसी मतभेद हो गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, और वहाँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता जो है लेनिन के बाद स्टालिन आ गए थे। अब स्टालिन से इनका मतभेद हो गया तो 1929 में इनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब वहाँ से जो है ये भारत आते हैं। फिर जब क्रांतिकारी दौर में ये जब ये थे उस समय ये भारत से चले गए थे, और भारत से अधिकतर समय इन्होंने बाहर ही बिताया 1930 तक। 1930 में जब ये भारत आए तो इनको इसी कानपुर षड्यंत्र के अंतर के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 6 वर्ष की सजा हुई। जब जेल से ये बाहर निकले यानी 1936 के बाद, तो इनके विचार बदल गए और ये आमूल मानववादी इनके विचार हो गए। इनके विचारों का तीसरा पक्ष आमूल मानववाद के रूप में, रेडिकल ह्यूमनिस्ट के रूप में जो है सामने आता है। और इस दौर में ये समाजवाद को पूर्णतया त्याग देते हैं, उसकी कमियां कुछ बताते हैं। तो ये इनके जीवन के तीन दौर थे। अब इन तीनों दौरों की एक खास बात थी, भले ही वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हो या कट्टर मार्क्सवाद हो और आमूलवाद, इन तीनों चरणों में एम एन रॉय ने कभी भी
अध्यात्म का, दर्शन का इत्यादि का सहारा नहीं लिया। इनके विचारों में जो है विशुद्ध भौतिकवाद का तत्व बना रहा। इनके विचार मेटलिस्टिक विचार थे, विशुद्ध भौतिकवादी विचार थे। इन्होंने आलोचना की कि ये जो भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता है का सिद्धांत जो लोग दे रहे हैं, भले वो गांधी हो, नेहरू हो, ये सब पोंगापंथी हैं, पिछड़े लोग हैं और लोगों को बहका रहे हैं। आध्यात्मिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती और भौतिक उन्नति ही दुनिया की सबसे अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, ये थे इनके जीवन के तीन चरणों का एक ओवरव्यू। अब हम चूंकि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है और यहाँ से इनके विचार ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं और ज़्यादा प्रासंगिक भी नहीं है। इनके विचारों की प्रासंगिकता शुरू होती है इनके मार्क्सवादी विचार और इनके आमूल मानववादी जो विचार हैं इनको लेकर के, तो इनका अध्ययन हम करेंगे। इसलिए शुरू करते हैं आगे का अध्ययन। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि इन्होंने भारतीय समाज की व्याख्या किस प्रकार की। एम एन रॉय द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या। हमने मार्क्स पढ़ा है, मार्क्स के सिद्धांत क्या थे उन सबको हम जान चुके हैं। यदि नहीं भी समझे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोज में जाकर के एक बार फिर मार्क्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी मार्क्सवादी विचार को हम पढ़ते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मार्क्स का नॉलेज होना चाहिए, मार्क्स के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो एम एन रॉय भी ऐसे ही एक मार्क्सवादी विचारक हैं। एम एन रॉय पहले ऐसे मार्क्सवादी हैं, यानी इससे पहले जितने भी नेता थे भारत के, उन सब ने अपने अपने तरीके से भारतीय समाज की व्याख्या की, लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने भारतीय समाज की व्याख्या मार्क्सवादी तरीके से की हो। तो एम एन रॉय पहले मार्क्सवादी हैं जिन्होंने, इन्होंने जो है भारतीय समाज की मार्क्सवादी व्याख्या की। और मार्क्सवादी व्याख्या का मतलब क्या होता है, इन्होंने मार्क्सवादी व्याख्या की। मार्क्सवादी व्याख्या का मतलब होता है कि वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी व्याख्या का मतलब होता है आर्थिक निर्धारणवाद, सर्वहारा पूंजीपति का संघर्ष, भौतिकवाद, वैज्ञानिक व्याख्या, उत्पादन के संबंध, ये सब मार्क्सवादी व्याख्या में आते हैं। यानी ये मानते थे कि भारतीय समाज जो है वर्ग विभाजित समाज है, वर्ग विभाजन पूंजीपति और सर्वहारा के रूप में, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा के, प्रोलेटरेट एंड बुर्जुआजीज, इन दो क्लास में भारतीय समाज विभाजित है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि समाज में जो है संघर्ष बना हुआ है, ये बात इन्होंने कही आर्थिक आधार पर। इन्होंने कहा कि ये संघर्ष आर्थिक आधार पर, आर्थिक व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि समाज में संघर्ष बना हुआ है, किस किस के बीच में, पूंजीपतियों के बीच में और सर्वहारा के बीच में। किसी भी मार्क्सवादी विचारक को हम देखते हैं तो यही की टर्म आते हैं और लगभग हर जगह सेम ही होते हैं, घुमा फिरा के वही बातें ये लोग करते हैं। तो वही बातें हमें एम एन रॉय के चिंतन में भी दिखाई देती हैं। समाज वर्ग विभाजित है और वर्गों में जो है आपसी संघर्ष है। सर्वहारा में कौन है, सर्वहारा में किसान है, मजदूर है। वहीं पूंजीपतियों में कौन है, पूंजीपतियों में आएंगे सामंत, क्योंकि भारत में उद्योग का विकास तो हुआ नहीं था इसलिए पूंजीपति में सामंत और जमींदार, ये पूंजीपति हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि एम एन रॉय कह रहे हैं कि सर्वहारा के द्वारा भारत में
सर्वहारा वर्ग जो है क्या किसका गठन करेगा? सर्वहारा वर्ग गठन करेगा साम्यवादी दल का, और ये साम्यवादी दल क्रांति करेगा। सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो है साम्यवादी दल का गठन किया जाएगा। फिर इनकी व्याख्या के पक्ष को देखें तो वही वर्ग विभाजन हमने आपको बता दिया, वर्ग संघर्ष बता दिया, सर्वहारा वर्ग दल का गठन करेगा। यानी इनकी ये जो व्याख्या थी वही मार्क्स की तरह आर्थिक निर्धारणवादी थी, आर्थिक नियतवादी, इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट थे, आर्थिक निर्धारणवाद इनके विचारों का केंद्र बिंदु था। ठीक है, और हर मार्क्सवादी ये दावा करता है कि वो वैज्ञानिक है, उसी प्रकार इन्होंने भी कहा कि ये जो है समाज की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं। वैज्ञानिक व्याख्या के पीछे इनके दावे का आधार क्या है कि ये मार्क्सवादी कहते हैं कि उन्होंने किसी बनी बनाई मान्यताओं पर समाज की व्याख्या नहीं की, बल्कि उन्होंने उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज की व्याख्या की है। इसलिए उनकी व्याख्या रियलिस्टिक है, उनकी व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या है। समाज की वैज्ञानिक व्याख्या और उत्पादन संबंधों तथा उत्पादन के साधनों के आधार पर यह व्याख्या होती है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना था, ऐसा ही एमैनुअल का मानना था। यानी मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो इन्होंने भारतीय समाज के जो परंपरागत चीजें थी, कहीं ये जाति का जिक्र नहीं करते, कहीं भी ये संस्कृति का जिक्र नहीं करते, कहीं भी ये जिक्र नहीं करते धर्म का, और राष्ट्र का विचार इनके प्रारंभिक दौर में था, मार्क्सवादी विचारों में राष्ट्र का विचार भी नहीं है। तो जो ड्राइविंग फोर्स थे भारत के, वो इनके विचारों से मिसिंग है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यही फिर इनका जो व्यवहार में जो कमियां थी, व्यावहारिक असफलता एमएन रॉय की आती है, उनका कारण भी यही है कि ये भारत की परिस्थितियों को समझ नहीं पाए। ठीक है, भारत की परिस्थितियों को अच्छे से समझ नहीं पाना जो है इनकी विफलता का एक कारण बनता है। अब आगे यदि हम बात करें तो कांग्रेस के बारे में इनके क्या विचार थे, उनको यदि हम जानें कि क्योंकि उस समय सबसे बड़ा दल, सबसे प्रभावी दल, जनमत को लेकर के चलने वाला जो दल था वो कांग्रेस ही था। कांग्रेस की आलोचना अंबेडकर भी करते हैं, कांग्रेस की आलोचना एमएन रॉय भी करते हैं, कांग्रेस की आलोचना मुस्लिम लीग भी करती है। यानी अंबेडकर कहते थे कि कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, मुस्लिम लीग कहती थी कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, एमएन रॉय कहते थे कि कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस हर वर्ग के, हर चिंतक के निशाने पर रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि कांग्रेस ही उस समय ज्यादा प्रचलित थी, कांग्रेस उस समय मुख्य धारा की पार्टी थी, और बाकी चीजें जो थी वो हाशिए पर ही थी मुख्यतः। तो इसलिए सबका ध्यान जो है कांग्रेस के जनमत को हथियाने पर ही रहता था। यानी एमएन रॉय भी फिर इसी लाइन पर चलते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी है, ये बुर्जुआवादी पार्टी है। कांग्रेस क्या है? बुर्जुआवादी पार्टी है, और कांग्रेस सिर्फ पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। कांग्रेस सिर्फ पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसा इन्होंने किस लिए कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुर्जुआवादी पार्टी है, और उसके कुछ उदाहरण दिए कि उन्होंने कहा कि गांधी उस समय कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे। उन्होंने कहा कि गांधी से बड़ा बुर्जुआ तो इस देश में पैदा ही नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ उसका फिर वो उदाहरण देते हैं कि असहयोग आंदोलन से हम जो है लगभग क्रांति सफल हो गई थी, यानी पूंजीवादियों की सत्ता जो थी उखाड़ फेंकी थी, सिर्फ गांधी जी एंड टेम पर आ गए, उन्होंने पूरे आंदोलन को विफल बना दिया। और उन्होंने आरोप लगाया कि असहयोग आंदोलन किस लिए वापस लिया गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे या कांग्रेस चाहती थी कि पूंजीपतियों का फायदा हो। यानी ये आरोप लगाते थे कि भले ही गांधी जी हो या कांग्रेस हो, जन आंदोलन को उसी स्तर तक ही ले जाते थे जहां तक पूंजीपतियों का नुकसान नहीं हो, उससे आगे जब कोई आंदोलन जाना चाहता था तो उसे फिर ये रोक लेते थे। इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन से पूंजीपतियों का नुकसान हो रहा था, इसलिए गांधी जी ने रोक दिया। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के बारे में इनके विचार और भारतीय समाज की किस प्रकार उन्होंने व्याख्या की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो है भारत में क्रांति करना चाहते थे, साम्यवादी क्रांति, और उस समय 1917 में आप पढ़ चुके हैं कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति रशिया में सफल बनाई थी, इसलिए लेनिन ने या सोवियत संघ के नेतृत्व में जो संस्था गठित हुई थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें दुनिया भर के नेता इकट्ठा होते थे, आपसी संवाद करते थे कि किस तरीके से दुनिया में जो है पूरे समूचे विश्व में हम साम्यवादी क्रांति करेंगे। इसी तरह लेनिन और एमएन रॉय की भी एक थीसिस है भारत में क्रांति के बारे में, जिसे कहा जाता है लेनिन एवं एमएन रॉय का संवाद या उसकी थीसिस। इसको हम कह सकते हैं भारत में क्रांति का विचार भी, यानी कि इसके जरिए भारत में क्रांति किस प्रकार की जाएगी उसकी एक रूपरेखा खींचने का प्रयास किया गया। यहां थोड़ी सी भिन्नता हमें दिखाई देती है लेनिन के विचारों से और किनके विचारों में, एमएन रॉय के विचारों में। ठीक है, तो पहले हम लेनिन के विचार देखते हैं कि वो क्या कहते थे। दरअसल क्या हुआ था कि 1925 में भारत में गठन हो गया था साम्यवादी दल का गठन हो गया था। एमएन रॉय ने ही इस संगठन का गठन किया था, उन्होंने मैक्सिको में भी इस पार्टी का गठन किया था। तो यदि हम बात करें लेनिन के विचारों की, तो लेनिन का मानना था कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये लेनिन के विचार हैं। लेनिन कह रहे हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को, इन दोनों को एक हो जाना चाहिए। किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ इनको गठबंधन कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेनिन ने रशिया में क्रांति की थी और उन्होंने मार्क्स के विचारों को संशोधन के साथ लागू करके क्रांति को संभव बनाया था। तो बहुत ही प्रोग्मेटिक लीडर थे लेनिन और वो कट्टर मार्क्सवादी बिल्कुल नहीं थे। यहां भी उनका यही अप्रोच दिखाई देता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस, हालांकि वो भी मानते थे कि कांग्रेस जो है एक बुर्जुआवादी पार्टी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रही है, यानी कांग्रेस भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है। और फिलहाल जो मुख्य उद्देश्य है वो तो साम्राज्यवाद को ही उखाड़ फेंकना है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस को, यानी साम्यवादी दल को, कम्युनिस्ट सीपी का मतलब साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल को और कांग्रेस को, दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए ताकि जो इनका साझा उद्देश्य है साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना, कम से कम वो प्राप्त हो जाए। लेकिन इसके साथ लेनिन कहते हैं कि ठीक है, आप लोग गठबंधन कर लीजिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी
एक तो नेतृत्व अपने पास रखें, गठबंधन इस प्रकार से संभव करें कि नेतृत्व उनके पास बना रहे, यानी प्रभाव उन्हीं का बना रहे। और जब क्रांति साम्राज्यवाद का खात्मा हो जाए उसके बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंके, क्योंकि ये भी तो एक साम्राज्यवादी या सॉरी बुर्जुआवादी पार्टी है, इसलिए जब क्रांति साम्राज्यवाद के खिलाफ संभव हो जाए तो कांग्रेस को हटा दे, कांग्रेस को साइड में कर दे। ये इनके विचार थे। यानी लेनिन के बारे में हम कह सकते हैं कि लेनिन रूढ़िवादी मार्क्सिस्ट नहीं थे। रूढ़िवादी मार्क्सवादी वो होते हैं, या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट किसे कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट वे होते हैं जो कहते हैं कि मार्क्स ने जो कह दिया सिर्फ उसी सिद्धांत पे हम चलेंगे और परिस्थिति से समझौता नहीं करेंगे, वो होते हैं रूढ़िवादी मार्क्सिस्ट। लेकिन लेनिन ऐसे नहीं थे, ये जो चाहते थे कि परिस्थिति से समझौता कर लिया जाए, जैसी परिस्थितियां हो उसके हिसाब से जो है क्रांति की जाए। रशिया में परिस्थितियां अलग थी, वहां उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया मार्क्स के विचारों का। भारत में परिस्थितियां अलग हैं, वहां भी थोड़ा हिसाब से जो है मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा ये विचार था लेनिन का। अब एम एन रॉय का विचार जो है थोड़ा अलग है। क्या है एम एन रॉय का विचार, तो हम देखते हैं। एम एन रॉय का क्रांति का विचार और उनकी जो मतभिन्नता थी लेनिन से। लेनिन ने कहा कि कांग्रेस को साथ मिला लो, लेकिन एम एन रॉय कहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश भारत में बड़ा बुर्जुआ है, वहीं कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ नहीं रही है बल्कि इनका ही सहयोग कर रही होती है, और ये छोटा बुर्जुआ है। इसको उन्होंने संज्ञा दी कि ये जो है छोटा बुर्जुआ है, और दोनों शक्तिशाली हैं, ब्रिटिश भी शक्तिशाली हैं, कांग्रेस भी शक्तिशाली है। ये दोनों कैसे शक्तिशाली बने हैं, इनको कहते हैं कि ये शक्तिशाली हैं, और शक्तिशाली बनने का कारण किससे क्या है, दोनों ही शोषण करके जो है शक्तिशाली बने हैं। सॉरी दोनों शोषण करके शक्तिशाली बने हैं। अब दोनों आपस में मिले हुए हैं, और कांग्रेस क्या करती है, एक सेफ्टी वॉल का काम करती है। कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल है, और ये जो है बचाती रहती है बड़े आंदोलन से, अंग्रेजों को बड़े आंदोलन से बचाने का काम है कांग्रेस का। यानी जन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक मंच दे देती है उन्हें, फिर घुमा फिरा करके कहीं और जो है किसी और दिशा में उनको दिशा निर्देशित कर देती है, और जो मूल मकसद है साम्राज्यवाद का खात्मा का वो संभव नहीं होने देती है। यानी अंग्रेजों का अहित नहीं चाहते हैं कांग्रेसी, यही एम एन रॉय कह रहे थे। इसलिए साम्यवादी दल कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यदि कांग्रेस के साथ समझौता करेगा तो कभी भी क्रांति संभव नहीं हो पाएगी। इन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बुर्जुआ है, ये साम्यवादी हैं, और इनका साथ में आना नामुमकिन है। फिर आगे कहते हैं कि भारत में क्रांति कौन करेगा, तो साम्यवादी दल ही क्रांति करेगा। साम्यवादी दल ही क्रांति करेगा, ये क्रांति करने में सक्षम है,
और इसको किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। और भारत में क्रांति का तरीका क्या होगा, तो भारत में भी जिस प्रकार रशिया में बोल्शेविक क्रांति की गई थी, रशिया में जिस प्रकार बोल्शेविक क्रांति की गई थी उसी प्रकार भारत में भी क्रांति की जाएगी, बोल्शेविक क्रांति उसी प्रकार भारत में भी क्रांति की जाएगी। यानी क्रांति का तरीका बोल्शेविक ही होगा और क्रांति का कोई भी अलग तरीका नहीं होगा। इसी क्रांति के तरीकों के वो यूनिवर्सल मेथड मानते थे, सार्वभौमिक तरीका मानते थे। एमन रॉय की क्रांति की रणनीति भारत और चीन दोनों में, अब यहां जो है लेनिन ने इनको जिम्मा दिया था कि आप भारत में तो क्रांति कीजिए ही, लेकिन भारत के साथ साथ चीन में भी क्रांति कीजिए। बोल्शेविक क्रांति यूनिवर्सल तरीका है और भारत चीन में क्रांति का इनको जो है जिम्मा दिया गया था। अब यहां दोनों जगह इनका क्रांति जो है विफल हो जाती है और इनके बारे में कहा जाता है कि एमन रॉय जो है महान बुद्धिजीवी थे, यानी किताबी ज्ञान इनका अच्छा था, बुद्धिजीवी का मतलब यही हुआ, लेकिन ये राजनीतिक रूप से विफल रहे, यानी व्यावहारिक धरातल पर ये सफल नहीं हो पाए, राजनीतिक रूप से ये विफल रहे। ठीक है, अब यहां जब लेनिन से मुलाकात के लिए जाते थे तो एक और वाक्य आता है कि वहां भारत से एक और साम्यवादी नेता थे जिनका नाम था सोमेंद्रनाथ टैगोर। तो एमन रॉय लेनिन को क्या कहते थे कि भारत में सर्वहारा वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया है कि बस क्रांति होने ही वाली है। तो लेनिन ने पूछा कि भाई सोमेंद्रनाथ जी आप बताइए, एमन रॉय साहब कह रहे हैं कि भारत में जो है सर्वहारा वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया है, तो क्या ये बात ठीक है? अब सोमेंद्रनाथ जी ने कहा कि राय साहब को दिन में सपने देखने की आदत है और ऐसा नहीं है। तो लेनिन ने कहा कि फिर क्या स्थिति है? उन्होंने कहा कि कितने कितने साम्यवादी हैं भारत में, कि क्या स्थिति है, स्थिति बताइए जरा। तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत में जमा 12 साम्यवादी हैं, यानी दर्जन भर से ज्यादा साम्यवादी भारत में नहीं है, और एमन रॉय की बातें जो हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं, भारत में साम्यवाद का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये भी इनके आलोचकों में एक आते हैं। तो ये देखा हमने कि किस प्रकार मतभिन्नता थी लेनिन में। लेनिन ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लीजिए और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़िए, फिर कांग्रेस को हटा देंगे। वहीं एमन रॉय कहते थे कि ब्रिटिश बड़े बुर्जुआ हैं और कांग्रेस जो है वो छोटा बुर्जुआ है, दोनों शोषण से शक्तिशाली बने हैं, भारत में क्रांति कौन करेगा, तो साम्यवादी दल ही क्रांति करेगा और क्रांति करने में इतना सक्षम है। और सार रूप में हम कह सकते हैं कि एमन रॉय महान बुद्धिजीवी थे लेकिन राजनीतिक रूप से ये विफल रहे। ठीक है, अब अगला डायमेंशन हम देखते हैं क्या था। तो ये था साम्यवाद का इनका विचार या मार्क्सवाद का विचार। अब यदि हम देखें तो लेनिन के बाद
लेनिन के बाद सत्ता संभालते हैं स्टालिन। लेनिन थोड़े लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के नेता थे, सभी की बातें सुनते थे, एम एन रॉय साहब की भी बातें सुनी जाती थी भले ही व्यावहारिक हो या नहीं हो, लेकिन स्टालिन थोड़े अलग किस्म के नेता थे। वो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के नेता नहीं थे और उनसे मत भिन्नता के आधार पर एम एन रॉय को जो है 1929 में जो संगठन था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इस संगठन का मकसद था कि पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति करना। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से इनको जो है 1929 में निष्कासित कर दिया जाता है, ये भारत आते हैं और 1930 में इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके 6 साल की सजा होती है, 1936 में ये रिहा होते हैं। 1936 में रिहा होने के बाद जैसा अक्सर होता है, यानी अरविंदो जेल में रहे तो उनके विचार बदल गए, उसी प्रकार जब जेल से लौट करके आए एम एन रॉय साहब तो इन्होंने भी मार्क्सवाद बिल्कुल छोड़ दिया और एक अलग ही विचारधारा दी जिसे कहा जाता है आमूल मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म या वैज्ञानिक एकात्म मानववाद, साइंटिफिक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो हम देखते हैं कि इनके क्या विचार थे। ठीक है, यानी अगला हेडिंग आप देख सकते हैं तो वो है इनके जीवन का तीसरा चरण। पहले चरण में क्रांतिकारी थे, दूसरे चरण में मार्क्सवादी थे और तीसरे चरण में ये बन गए आमूल मानववादी। दूसरा नाम इसको एक दिया जाता है वैज्ञानिक एकात्म मानववादी। अब यहां रेडिकल का जो है हिंदी अनुवाद कई किया जा सकता है, अमूल किया जा सकता है, उत्कट किया जा सकता है, तो रेडिकल टर्म जो है ध्यान में रखना जरूरी है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट, ताकि समस्या नहीं हो। और यहां फिर साइंटिफिक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो क्या था ये विचार, ये हम जानते हैं। इस विचार में जैसा कि होता है इनका झुकाव हो गया कि इन्होंने मार्क्सवाद का, क्रांति का वो सब बातें छोड़ दी। इन्होंने कहा कि हमें जो है मानववादी बनना चाहिए और मानववादी भी कैसा कि आमूल मानववादी। अब इनके इन्होंने क्या किया, उस समय कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित थी, तो उस समय लोकप्रिय थे गांधी। ठीक है, उस समय एक विचार लोकतंत्र का विचार लोकप्रिय था। ठीक, जर्मनी और इटली में फासीवाद का प्रभाव था। ठीक है, और भारत में जो गांधी जैसे नेता थे उनके द्वारा दर्शन और अध्यात्म इन सब की बातें की जाती थी, समाज सुधारकों द्वारा भी दर्शन और अध्यात्म की बातें की जाती थी। और वहीं रशिया में या सोवियत यूनियन में क्या था, साम्यवाद। तो इन्होंने सबसे पहले अपने आमूल मानववादी के विचार में इन सब का विरोध किया। इनका विरोध किस आधार पर किया, उन्होंने कहा कि गांधी जो बात करते हैं दर्शन इत्यादि की, प्रेम भाव की, ये सब बातें गलत हैं और इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। गांधी मूलतः क्या है, गांधी को उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े बुर्जुआ है। इनका काम ही है कि अंग्रेजों का हित रक्षण करें, जैसा कि हमने असहयोग आंदोलन का उदाहरण दिया था वैसे इन्होंने गांधी की आलोचना की। लोकतंत्र की आलोचना कैसे की, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्टी का गठन हो गया है और
पार्टी के नाम पर लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, इसलिए लोकतंत्र भी सही नहीं है। फासीवाद में किसके नाम पर, तो उन्होंने कहा कि फासीवाद में राष्ट्रवाद के नाम पर जो है लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, यह भी सही नहीं है। और भारतीय अध्यात्म दर्शन, उन्होंने कहा कि परंपरा दर्शन इत्यादि के नाम पर विषमताओं को जो है सत्यापित करने की कोशिश की जा रही है, यह भी सही नहीं है। साम्यवाद क्या कर रहा है, साम्यवाद वर्ग के नाम पर लोगों का शोषण कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है। सही क्या है, आमूल मानववाद का विचार। इन्होंने कहा कि सही है मेरा विचार आमूल मानववाद का विचार। आमूल मानववाद के विचार में क्या बातें आती हैं, तो पहली बात इन्होंने कही कि नैतिकता, दो मुख्य बातें हैं आमूल मानववाद की, नैतिकता और दूसरी, पहली नैतिकता, दूसरी थी स्वतंत्रता। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनके इस विचार का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, व्यक्ति को लेकर ही ये कहते हैं कि व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का मकसद सिर्फ भौतिक उन्नति नहीं है, सिर्फ भौतिक उन्नति नहीं है, उसे जो है सिर्फ स्वार्थ के लेकर के काम नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए, यानी मोटे तौर पर उसे नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के वही प्रतिमान हैं जो आज प्रचलित हैं या हमेशा से जो प्रचलित रहे हैं, जो गांधी के नैतिकता के आयाम थे, जो अरविंदो के थे, जो स्वामी विवेकानंद के थे, नैतिकता के लगभग एक ही आयाम होते हैं। वहीं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ भौतिक उन्नति नहीं है, स्वार्थ पूर्ति नहीं है, हमें जो है मानव मात्र की भलाई करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने की है कि व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि गांधी के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा, फासीवाद के द्वारा, दर्शन अध्यात्म के द्वारा और साम्यवाद, इन सभी से स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, इसलिए ये सब गलत है और व्यक्ति को मूलतः स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये थे दो मुख्य बिंदु। अब कुछ माइनर पॉइंट्स भी हैं कि कैसे ये लक्ष्य प्राप्त होंगे, तो बताते हैं कि हमें जो है वैज्ञानिक चिंतन विकसित करना चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन विकसित करना चाहिए, यानी हमने आपको पहले ही बताया था कि तीनों चरणों में जो बात कॉमन थी वो ये थी कि ये दर्शन और अध्यात्म को नकारते हैं, दर्शन को और अध्यात्म को नकारते हैं और वैज्ञानिकता को जो है महत्व देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक चिंतन का विकास करना चाहिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति हमें रखनी चाहिए, यानी जो है अंधविश्वासों को, दर्शन अध्यात्म को, इन सबको नहीं मानना चाहिए। फिर दूसरा वो बताते हैं तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका वो बताते हैं बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब क्या हुआ कि देश में, समाज में हर प्रकार के संगठन होने चाहिए। कोई मजदूरों का संगठन है, कोई डॉक्टर्स का संगठन है, और कोई एनजीओ है, मीडिया के संगठन हैं, हर प्रकार के संगठन होने चाहिए। हर प्रकार के संगठन होने से क्या होता है कि एक का जो है, एक की निरंकुशता नहीं होती। बहुलवाद प्लूरलिज्म से एक की निरंकुशता संभव नहीं हो पाती है, तो ये बहुलवाद का फायदा होता है। फिर आगे वो कहते हैं कि शिक्षा, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन या शिक्षा द्वारा क्रांति। क्रांति का मतलब यहां आमूल मानववाद में उनकी क्रांति सामाजिक परिवर्तन तक ही रह गई, और मार्क्सवाद की
उठा पटक वाली हिंसा वाली क्रांति से उनका सरोकार नहीं रह गया। तो शिक्षा द्वारा वो समाज में बदलाव की बात करते हैं। उनका लोकतंत्र का आधार क्या था? वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है विकेंद्रित लोकतंत्र होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही जगह सारी शक्तियां केंद्रित नहीं हो जानी चाहिए, और साथ ही ये लोकतंत्र जो है दल विहीन होना चाहिए। अब लोकतंत्र की जब उन्होंने कमियां गिनाई थी तभी यही बताई थी कि लोकतंत्र में पार्टी में ही सब कुछ एक जगह आ गया है और जो है सेंट्रलाइज हो गया है सब कुछ, तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए हमें विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए और दल विहीन लोकतंत्र। अब यहाँ थोड़ी समानता उनकी गांधी से मिलती है कि गांधी भी दल विहीन और विकेंद्रित लोकतंत्र की बात करते हैं और गांधी भी नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन गांधी से भिन्नता इनकी कहाँ थी कि गांधी जो है वैज्ञानिक चिंतन का गांधी का कहीं विषय भी सरोकार नहीं था। गांधी जो है अध्यात्म की दर्शन की बात करते थे, यानी जो मैन ड्राइविंग फोर्स है भारतीय समाज का उसकी बात करते थे गांधी, लेकिन एमएन रॉय उसके उलट जो है वैज्ञानिक चिंतन की बात करते हैं। तो ये था इनका अमूल मानववाद का विचार। जीवन के तीनों चरणों का एक एक करके हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। ये विचार इनके सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहे, समाज में इन्होंने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा मोटे तौर पर। जब ये 1936 में बाहर आए थे तो फिर जो है ये कांग्रेस में भी एक बार शामिल हुए, इन्होंने 1940 में अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और इनके सिवा इनको कोई वोट नहीं मिला, एक ही वोट मिला खुद का। इसके बाद फिर वो अपनी खुद की पार्टी भी गठित करते हैं और उसका नाम ये रखते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में, वो भी पूरी तरीके से विफल रहती है। यानी मोटे तौर पे इनको जो है व्यावहारिक सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, विचार के रूप से इनको बुद्धिजीवी कहा जा सकता है, इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये जो है उस दौर के यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के जो सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे उनमें से एक ऊपर के नामों में इनका नाम आता है, ठीक है। ये थे इनके जीवन के तीनों चरण। अब एक विचार, जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद इनका एक विचार आता है कि ये एक आर्थिक विकास का अपना मॉडल देते हैं, वो थोड़ा प्रासंगिक आज भी है। तो वो क्या विचार था हम जान लेते हैं, यानी इनका आर्थिक विकास का मॉडल। आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए, किस क्या रूट मैप होना चाहिए उसका, उसके बारे में बताते हैं कि जो विकास का सबसे पहले तो इनकी आलोचना का केंद्र बिंदु होते थे नेहरू और गांधी। इन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी का जो विकास का तरीका है वो सही नहीं है। और नेहरू गांधी का विकास का तरीका क्या था कि नेहरू भारी उद्योग को प्राथमिकता देते थे, गांधी कुटीर उद्योग को। इन्होंने कहा कि ये दोनों ही चीजें गलत है, यानी सबसे पहला काम इनका आलोचना का था, तो वो जो है इन दोनों की आलोचना करते हैं इस मॉडल में भी, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं यहां भी उनके विचार मौलिक नहीं है, यहां भी वो कहां से सीखते हैं। मार्क्सवाद उन्होंने सीखा था रशिया रिवॉल्यूशन से, लेनिन के विचार, और उन मार्क्सवाद को हूबहू लागू करने की कोशिश की, विफल रहे। यहां भी वो जो है अपना इकोनॉमिक मॉडल लेते हैं, कहां से, अमेरिका से। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका में पहले कृषि का औद्योगीकरण हुआ है, यानी पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइज हुई है, सबसे पहले क्या किया जाए, कृषि का औद्योगिकरण। ये काम कहां हुआ, अमेरिका में। तो कह रहे हैं कि सब ऐसा ही काम भारत में होना चाहिए, यानी सबसे पहले आप कृषि का औद्योगिकरण कीजिए, उसके बाद इससे अगला स्टेप जो है औद्योगिकरण होना चाहिए।
यहाँ इनके विचार की प्रासंगिकता ये है कि ये कह रहे हैं कि भारत का जो मूल है कृषि आधारित व्यवस्था है, उस कृषि का आप सबसे पहले विकास कीजिए, उसके बाद उद्योगों के बारे में सोचिए। हालांकि ये विचार उनका ठीक था और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन ऐसा जनरली क्या होता है कि जो भी विकसित देश हैं उनमें सबसे पहले विकास होता है कृषि का, ये एक पैटर्न रहा है। कृषि के बाद उद्योग आते हैं और उद्योग के बाद विकास होता है सर्विस सेक्टर का या सेवा क्षेत्र का, लेकिन ये जनरल पैटर्न रहता है। लेकिन भारत में क्या हुआ है, भारत में कृषि का विकास नहीं हुआ, उद्योग का विकास नहीं हुआ। नेहरू ने भारी उद्योग लगाने की कोशिश की, यानी उद्योग ठीक ठाक स्थिति में थोड़े से पहुंचे, लेकिन इन दोनों के विकसित हुए बगैर सेवा क्षेत्र विकसित हो गया। ये भारतीय सिस्टम की थोड़ी विसंगति है। और उसी परिप्रेक्ष्य में एमन रॉय का जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो प्रासंगिक है, यानी पहले आप कृषि का औद्योगिकरण कीजिए, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, औद्योगिकरण कीजिए, उसके बाद ही सेवा क्षेत्र, इसके बाद ही जो है सेवा क्षेत्र का विकास कीजिए। तो ये इनका मॉडल था, ठीक है। अब यहां वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आप कृषि का औद्योगिकरण करेंगे तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण विकास संभव होगा। कृषि के औद्योगिकरण से ग्रामीण विकास संभव होगा, और जब ग्रामीण विकास संभव होगा उसी के बाद जो है औद्योगिकरण सफल हो सकता है, उसी के बाद उद्योग सफल हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हुए। जबकि यहाँ यदि हम नेहरू जी का अप्रोच देखें तो नेहरू कहते थे कि भारी उद्योग लगाए जाएं, हैवी इंडस्ट्रीज के जो है समर्थक थे। गांधी जी की यदि हम बात करें तो गांधी कहते थे कि ऐसे उद्योग जो घर से चलाए जा सकते हैं, परिवार से एक ही व्यक्ति या एक परिवार जिनको चला सकता है, यानी कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसे उद्योगों को आप प्राथमिकता दीजिए। तो ना तो नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ना गांधी का मॉडल अपनाया, उन्होंने ना एम एन रॉय का विकास का मॉडल बनाया, उन्होंने सबसे पहले भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी, और उसमें भी जो है सरकारी कंपनियां खोली, उनसे विकास करना चाहा। उसकी सफलता असफलता पर जो है विवाद है कि नेहरू मॉडल ठीक था नहीं था, वो सब हमारे सब्जेक्ट का अभी विषय नहीं है। तो ये मोटे मोटे विचार थे एम एन रॉय साहब के, तीन उनके जीवन के चरण और आर्थिक विकास का मॉडल। तो सार रूप में हम कह सकते हैं, यदि हम एम एन रॉय को चंद शब्दों में व्यक्त करें कि क्या थे उनके विचार, तो हम कह सकते हैं कि एम एन रॉय साहब रोमांटिक ज्यादा थे। इनके विचारों में रोमांटिकता ज्यादा है और आदर्शवाद ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन इनके जो विचार हैं, कौन से विचार, एक तो दल विहीन लोकतंत्र का विचार, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, और दूसरा नैतिकता का विचार। ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी बहस होती रहती है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मॉरेलिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में और व्यक्तिगत जीवन में, तो ये विचार प्रासंगिक हैं। और मार्क्सवाद के बारे में उनके जो विचार थे वो रोमांटिक ज्यादा थे, आदर्शवादी ज्यादा थे, व्यावहारिक रूप में सफल नहीं हो पाए। तो ये थे एम एन रॉय। यहाँ एक सलाह मेरी आपसे ये रहेगी कि एम एन रॉय से आप पहले जो है मार्क्स, अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप मार्क्स का अध्ययन कीजिए। शायद 11 या 12वें नंबर की जो वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ जो है मार्क्स को हमने लगाया है, ऊपर आई बटन में भी लगाया गया है, वहाँ से आप मार्क्स को पढ़िए फिर एम एन रॉय को पढ़िए, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है अगले विचारक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।